अगर हम इस फोर्थ राउंड में टॉप करते हैं ग्रुप में अपने तो हम डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगे फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप बोलते आ रहा है मुझे, बिकॉज भाई मुझे ऐसा फील होता है कि राउंड फोर वुड बी आर शॉर्ट यार। राउंड फोर विल गिव अस आई अ हार्ट ब्रेक और इट विल टेक अस टू दीफा वर्ल्ड कप यार लकम बैक गाइज मानी में जीशन वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल होम ऑफ रिव्यूज टैक्टिक्स एंड ट्रांसफर टॉक्स एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्या भारत 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है क्या पाथवे हो सकता है हमारे लिए किन मैकेनिज्म के तरीके से हम क्वालिफाई कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग फीफा वर्ल्ड कप तो चलिए शुरुआत करते हैं आप लोगों सब को सबको पता है कि हमारा ग्रुप आ चुका है ऑफ द क्वालिफाइंग राउंड जिसमें कि हमारे अगेंस्ट होंगे कतार कुैत अफगानिस्तान या फिर मंगोलिया अब इन दोनों का मैच होगा अब इन दोनों में से जो टीम क्वालिफाई करेगी वो आ जाएगी हमारे ग्रुप में सो लेट्स से कि अफगानिस्तान क्वालिफाई करती है फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो बिकॉज भाई वो ज़्यादा बेटर टीम है दैन मंगोलिया

या मंगोलिया के अगेंस्ट हो सकते हैं दैट विल बी इन मार्च 2024 एंड फिर जून में होगा जहां पे इंडिया अगेन कुवैत और कतार के अगेंस्ट खेलेगी लास्ट मैच होगा 11 जून को तो मतलब हम टोटल मिला के इस ग्रुप में छह मैचेस खेलेंगे होम एंड अवे फॉर्मेट में, में डेफिनेटली वो मैचेस रहेंगे और हमें आना होगा उस ग्रुप में टॉप टू में तो गाइज अगर हम टॉप टू में आते हैं इस ग्रुप के जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो राउंड टू में हम क्वालिफाइड हैं अगर हम टॉप टू में आते हैं तो सबसे पहले तो हम ए एशियन कप में डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे जो 2027 में होने वाला है ठीक है डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगे अगर हम टॉप टू में ना आके हम थर्ड प्लेस पे आते हैं तो वी विल अगेन हैव अ शॉट एट द ए एशियन कप 2027 जिसमें कि हम एक और ग्रुप में आएंगे एंड राउंड थ्री होगा ये ए एशियन कप का अगर इस ग्रुप को हम टॉप करेंगे तो वी विल बी डायरेक्टली क्वालिफाइंग फॉर द ए एशियन कप बट गाइज मुझे पता है कि आप लोग इसमें ध्यान ज़्यादा नहीं दोगे आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न होगा

सिक्स टीम्स ईच अब ये जो राउंड थ्री होगा अब तुम तो इमेजिन कर सकते हो इसमें टॉप टीम्स आएंगी यार इसमें लाइक जापान उजबेकिस्तान सऊदी आ सकती है यू वियतनाम ईरान जैसी टीम्स आ सकती है सो so जो भी टीम राउंड टू के फर्स्ट और सेकेंड स्पॉट से क्वालिफाई करेंगी उनका फिर से शफलिंग होगा और उनको इस छह टीम्स के एक ग्रुप में डाला जाएगा मतलब अब राउंड थ्री में टोटल तीन ग्रुप होंगे अब इन तीन ग्रुप में सब में छह टीम्स होंगी टॉप टू टीम्स जो इन ग्रुप में आएंगी वो डायरेक्टली फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी जो अगर टॉप टू में माफ आते हैं जिसमें जिस ग्रुप में, में पोटेंशियली हमारे साथ जापान सऊदी और ये टॉप टीम्स हो सकती हैं तो इमेजिन कर सकते हो टॉप टू में आना कितना बड़ा टास्क हो हमारे लिए इस पर्टिकुलर ग्रुप में सो लेट्स से कि हम इस पर्टिकुलर राउंड थ्री में टॉप टू में नहीं आ पाते हैं जो कि अनलाइकली है लेट्स से कि हम थर्ड या फोर्थ पे आते हैं भाई लोग एक चीज़ का बहुत बड़ा ध्यान देना जो ये राउंड टू होने वाले हैं हमारे वर्ल्ड कप के क्वालिफायर के अगर इसमें हम टॉप टू में नहीं आते हैं तो हम फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएंगे सो so बहुत जरूरी है कि कतर कुवैत और अफगानिस्तान वाले ग्रुप में हम टॉप टू में ज़रूर से आएँ फ नहीं देन आर ड्रीम्स ऑफ द ट्वेंटी ट्वेंटी सो होपिंग की हम टॉप टू में आ जाए एंड होपिंग कि राउंड थ्री में हम टॉप टू को छोड़ के थर्ड या फोर्थ पे भी आ जाए तो भी हम वर्ल्ड कप के फोर्थ राउंड के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगे सो so अब राउंड थ्री की छह टीम्स निकलेंगी यहाँ से थर्ड एंड फोर्थ ए ग्रुप से थर्ड एंड फोर्थ बी ग्रुप से और थर्ड एंड फोर्थ सी ग्रुप से टोटल मिला के छह टीम्स बनेंगी फोर्थ राउंड के लिए ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप अब इन छह टीमों को दो ग्रुप में डाला जाएगा जिसमें तीन टीम होंगी ई अब इनमें भी मैचेस होंगे यहां पे क्या है कि हमें थोड़ी सी लाइक like, टॉप टीम्स तो नहीं मिलेंगी बिकॉज टॉप टीम्स ऑब्वियसली ऑलरेडी क्वालिफाई कर लेंगी तो इसमें हमें ग्रुप so, हम इस में, में अपने तो हम डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगे फॉर द ट्वेंटी ट्वेंटी है कि राउंड फोर वुड बी आर शॉर्ट मेक और ब्रेक रहेगा राउंड थ्री डेफिनेटली बट राउंड फोर विल गिव अ हार्ट और इट विल टेक अस टू फीफा वर्ल्ड कप यार, सो यहां पे आकर हम क्वालिफाई करते हैं टॉप ऑफ द ग्रुप तो वील बी डायरेक्टली गोइंग टू द फीफा वर्ल्ड कप बट गाइज यहाँ पे चीजें खत्म नहीं होंगी लेट्स से कि हम टॉप नहीं कर पाते लेट्स से कि हम सेकंड प्लेस पे आते हैं इस फोर्थ राउंड के सो so ये जो दो टीम्स रहेंगी हमारी फोर्थ ग्रुप की जो ए टू और बी टू रहेगी ये दोनों एक पर्टिकुलर फिक्चर खेलेंगी होम एंड अवे पे ठीक है अब इन दोनों टीम्स में से जो टीम जीतेगी वो फिफ्थ राउंड में जाएगी एंड वो होगा इंटर कॉन्फेडरेशन प्ले अब इंटर कॉन्फेडरेशन प्ले होता है जहां पर तुम्हें कैफ कौन में बॉल कौन का कैफ या ओशनिक से तुम्हें टीम्स मिलती है जिनके अगेंस्ट तुम एक सिंगल इलिमिनेशन गेम खेलोगे एंड दैट वुड बी वेरी टफ मतलब एक गेम तुम हारे तुम बाहर हो ऐसा रहेगा सो so मिनिमम तुम्हें यहाँ पे दो से तीन मैचेस खेलने पड़ेंगे एंड अगर आप आगे आने वाली अदर फेडरेशन की टीम जैसे कि वो हो सकती है पेरू वो हो सकती है साउथ अफ्रीका या कोई भी टीम हो सकती है इन वेरियस डिफरेंट फेडरेशन की अगर तुम उन टीम्स को हरा देते हो तो यू वुड अगेन बी क्वालिफाइंग टू द फीफा वर्ल्ड कप इसके थोड़े से चांसेस मुझे कम लगते हैं गाइज वी वुड होप कि हम फिफ्थ राउंड में ना जाएं आई वुड रियली होप कि हम फोर्थ राउंड से क्वालिफाई कर जाएं बट इवन इफ नॉट फिफ्थ राउंड से भी हमारे पास क्वालिफाई करने का एटलीस्ट पाथवे तो है सो भाई लोग दिस इज द इंटायर वे ये पूरा पाथवे जिसमें हम फीफा वर्ल्ड कप ट्वेंटी में क्वालिफाई कर सकते हैं देखो यार एक अच्छा फेयर शॉट है राउंड टू के हमें टॉप टू में आना ही होगा राउंड थ्री सबसे टफेस्ट राउंड होगा जहां पे हम क्वालिटी टीम्स के अगेंस्ट खेलेंगे वहां पे हमें अपनी सच्चाई सामने आ जाएगी हमें पता चल जाएगा कि हम कितने दूध के धुले हैं इफ वी आर एबल टू डू गुड इन द राउंड थ्री इट वुड बी वेरी गुड फॉर अस और अगर नहीं हमारा एम होना चाहिए कि टॉप फोर में आना टॉप टू आना तो मुझे बहुत ज्यादा वहां पर प्रॉब्लमेटिक लगता है बट अगर हम टॉप फोर में रहते हैं थर्ड या फोर्थ स्पॉट पर रहते हैं हम फोर्थ राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं एंड देन दैट वुड बी समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर अस सो होपफुल यार वी आर एबल टू डू दिस इवन इफ नॉट भाई लोग बहुत डिसअपॉइंट नहीं होना यार आप लोग एक चीज रखना है कि ये जो सारे मैचेस हम खेलेंगे रिमेंबर कितने क्वालिटी मैचेस हम खेल सकते हैं सो एज लॉन्ग एज इंडिया इज प्लेइंग यार जितना डीप ये जा सकते हैं क्वालिफाइंग में इट वुड बी गुड फॉर अस इवन अगर हम क्वालिफाई नहीं करें जस्ट रिमेंबर कि हम टॉप क्वालिटी अपोनेंट्स के अगेंस्ट फ्री में मस्त मैच खेल रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस हमारे प्लेयर्स को ऑलरेडी मिल रहा होगा एंड इस साल नहीं बट अगले साल इन शाला ट्वेंटी थर्टी वुड बी आर ईयर जहां पर हम डायरेक्टली यार तुम राउंड फोर छोड़ो हम होपफुली राउंड थ्री से क्वालिफाई डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे यार सो दैट इज दैट इन अ वे जैसे कि इंडिया क्वालिफाई कर सकती है आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा डू लेट मी नो वॉट यू थिंक क्या लगता है कहाँ तक इंडिया जाएगी ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स के फीफा वर्ल्ड कप में हम क्वालीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सब कुछ मुझे जरूर से कॉमेंट्स में बताना ऐसे ही बने रहे चैनल को सपोर्ट करते रहे इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहे और वीडियो के एंड होते होते आप लोग सब कोई एक कॉमेंट करेगा कॉमेंट सेक्शन में जय हिंद एंड जय भारत में मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सुन तब तक के लिए पीस आउट